गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। व्हाट्सअप क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ की बुक में काम करेंगे। अभी तक जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जितना हमने कर लिया उससे आगे का काम आज हम करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है 100 से लेके 1000 तक की संख्याएं। ठीक है, उन संख्याओं को हमने इकाई दहाई सैकड़ा में लिखना सीखा और आगे की संख्याएँ अब हम करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने 500 यानी 500 तक की संख्याओं को लिखना सीखा और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को हमने शब्दों में लिखना भी सीख लिया है। और 500 तक की संख्याएं हमने लिखी हैं तो हमने बोल के लिखी है, इसलिए हमें लिखना आता होगा। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि शब्दों में इन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए, प्रत्येक संख्या को शब्दों में लिखिए। ये संख्याएं दी गई हैं, इनको क्या करना है, हमने शब्दों में लिखना है। हमने 500 तक संख्याएं सीखी तो हमें ये पढ़ना आ गया। अब जैसे लिखा है 280, तो इसको शब्दों में लिखेंगे 280। 235 शब्दों में लिखेंगे 235। ये लिखा 191, जैसे लिखेंगे 191। ठीक है, इसी प्रकार से आगे लिखा है 469। 469। ठीक है, तो ये था हमने शब्दों में लिखा। ठीक, इसके आगे देखिए आप, अब है प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप यानी इकट्ठी संख्याएं हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। इकाई दहाई सैकड़े की संख्या कौन कौन सी है उसी स्थान पे हम इनको लिखेंगे। जैसे इसमें इकाई का अंक है 5, दहाई का 2 और सैकड़े का 1। तो सैकड़े के आगे हमने सैकड़े का अंक लिखना है और दहाई के आगे दहाई का और इकाई के आगे इकाई का। इसी प्रकार से मैंने ये 2 संख्याएँ लिखी हैं तो आपको समझ आ गया होगा। सैकड़ा जैसे 2 सैकड़ा है, दहाई और इकाई 238। 2 सैकड़े, 3 दहाई और 8 इकाई की संख्या हुई। तो इसी प्रकार से ये है 293, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। आगे देखिए, ये संख्या है जैसे 310, तो सैकड़े की संख्या हुई 3, फिर दहाई की 1 और इकाई की 0। ठीक है, 310। यह है 400, जैसे सैकड़ा 4, फिर दहाई 0 है और इकाई भी 0 है। ठीक है, ये संख्याएं हमने इस प्रकार से लिखी। अब क्या है, ये 168, इन संख्याओं को अलग अलग यानी प्रसारित रूप में दिया गया है और इकट्ठा करके हमने लिखना है। ठीक, जिस प्रकार से ऊपर संख्या दी गई थी ना, तो पहले इनको इस तरह से लिखना है और फिर हम इकट्ठा लिखेंगे। जैसे 195 है, 1 सैकड़ा 9 यानी 9 दहाई और 5 इकाई इकट्ठा करके लिखा। आगे है 405, जैसे 4 सैकड़ा 105 और 100 यानी 0 है और 5 इकाई। ठीक है, यह है 335। ठीक है, तो ये आ गया 335 और ऊपर की संख्या हमने यहाँ लिखी नहीं थी। अब ये देखेंगे 405। तो आज हमने इकाई दहाई की संख्याओं को लिखना सीखा शब्दों में भी। ठीक है, तो ये आज हम यहाँ तक ही काम करेंगे इसमें और आगे की संख्याएं फिर लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।